नमस्कार, बोल किला आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। वक्त कितनी तेजी से बदलता है ना। 3 अक्टूबर की तस्वीरें देखिए। आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हिरासत में ले लिया था। किरण गोसावी नाम का एक प्राइवेट डिटेक्टिव जिसका एक आपराधिक इतिहास है, वो आर्यन खान के साथ सेल्फी खिंचवा रहा था। वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में बैठ के इस वीडियो के मुताबिक आर्यन खान की बात करवा रहा था किसी के साथ। यही नहीं दोस्तों, मनीष भानुशाली बीजेपी का एक लीडर यहां पर मौजूद था। सबसे बड़ी बात, यहां पर समीर वानखेड़े एक हीरो की तरह बना हुआ था इस पूरे मामले में। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल किलब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। मगर 25 दिन में खेल बदल गया। 28 तारीख यानी कि कल आर्यन खान को जमानत मिल गई। किरण गोसावी प्राइवेट डिटेक्टिव आपराधिक इतिहास का वो आदमी इस वक्त पुणे पुलिस की हिरासत में है। समीर वानखेड़े इस वक्त मुंबई हाईकोर्ट से गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, मेरी गिरफ्तारी पर रोक लगाइए। मुंबई पुलिस ने कहा कि तुम्हें हम गिरफ्तार करेंगे, 3 दिन का वक्त देंगे। पिछले साल मुझे याद है समीर वानखेड़े ने किस तरह से रिया चक्रवर्ती के बारे में मीडिया में खबरें, झूठी खबरें लीक कर करके किस तरह से उन्हें परेशान किया था। आज 1 साल बाद उनकी पत्नी क्रांति उद्धव ठाकरे से अपील कर रही हैं कि मैं एक मराठी लड़की हूं और मुझे परेशान किया जा रहा है। मगर आज ही मैं आपको तमाम चीजें क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि समीर वानखेड़े एक जरिया बन गए थे बॉलीवुड के लोगों को परेशान करने के लिए। पिछले साल की तस्वीरें आप याद हैं आपको, दीपिका पादुकोण, सैरा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, रिया चक्रवर्ती, बॉलीवुड के तमाम लोगों को परेशान किया जा रहा था बुला बुला के। क्यों? क्योंकि दीपिका पादुकोण जेएनयू पहुंच गई थी जब जेएनयू के अंदर हिंसा हुई थी, जब वहां के पत्रकारों को पीटा गया था, तब दीपिका पादुकोण उनके समर्थन में जेएनयू चली गई थी। आपत्ति ये थी इनको दीपिका पादुकोण पर। और जैसे कि एक गुमनाम चिट्ठी से यह बात साबित हुई है कि यह शख्स समीर वानखेड़े लगातार बॉलीवुड के लोगों को एक अरसे से परेशान कर रहा था। मगर इससे क्या संदेश मिल रहा है हमें दोस्तों, मोदी सरकार ने कुछ ऐसे लोगों को छूट दे रखी है कि वो लोग बॉलीवुड के इन तमाम लोगों को परेशान करें, वो भी बगैर सबूत के। निशाना आर्यन खान नहीं था, निशाना शाहरुख खान था। और जब आप शाहरुख खान पर निशाना साधते हैं तो कहीं ना कहीं आप भारत की सॉफ्ट ताकत पर निशाना साधते हैं। दुनिया भर में बॉलीवुड ने अपना एक खास मुकाम बनाकर रखा है, और जब आप शाहरुख पर हमला करते हैं तो आप उस सॉफ्ट ताकत को धराशायी कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। शाहरुख मजहब के लिहाज से एक मुसलमान है, और शाहरुख हमारे सुपरस्टार हैं, उससे दुनिया में एक संदेश जाता है कि देखो मुसलमान होने के बावजूद लोग इतनी मोहब्बत करते हैं शाहरुख से, मुसलमान होने के बावजूद लोग आमिर खान को कितनी मोहब्बत करते हैं, सलमान खान को कितनी मोहब्बत करते हैं। हमने जब भी शाहरुख से मोहब्बत की हमने कभी उनका मजहब नहीं देखा, मगर भारतीय जनता पार्टी वो सब बदल देना चाहती है। मैं जानना चाहता हूं कि आरएसएस का वो कौन सा नेता था जिन्होंने लेखक तवलीन सिंह को एक पार्टी में कहा था कि अब तो हम सत्ता में आ गए, इन खानों को हम नहीं बख्शेंगे और शुरुआत इस शाहरुख खान के साथ करेंगे। मैं यही तो समझना चाहता हूं कि दीपिका पादुकोण को निशाना साध के, जो कि एक सुपरस्टार हैं, शाहरुख खान पर निशाना साधकर आप भारत का क्या फायदा कर रहे हैं, आप दुनिया में क्या संदेश दे रहे हैं। चलिए किसानों पर आप अत्याचार करो, मुसलमानों पर आप अत्याचार करो, दलितों पर अत्याचार करो, मगर आप जिससे देश की इज्जत बढ़ती है उस पर भी निशाना साध रहे हैं आप। कभी आपने इस बारे में सोचा है कि ये क्या किया जा रहा है? आपको समझना पड़ेगा कि शाहरुख के क्या मायने, और इसका जिक्र मैंने अपने एक और शो में किया था, शाहरुख खान के मायने। शाहरुख खान एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं जिस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर यह मायने नहीं रखता कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आपके काम को देखा जाता है और फिर उसी के हिसाब से आपका एक मुकाम बनता है। मैं जानता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी वंशवाद है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी भाई भतीजावाद है,
मगर दूसरी तरफ अगर आप में टैलेंट है तो आप उस मुकाम को जरूर हासिल करेंगे, चाहे हालात जितने भी बदतर हों। अमिताभ बच्चन की मिसाल देखिए, 13 फ्लॉप्स के बाद में वो सुपरस्टार बने और आज की तारीख में वो भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार रहे हैं। शाहरुख खान को देखिए, कहां थे और वो कहां पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी हमारी इस ताकत को खत्म करना चाहती है, वो है सॉफ्ट पावर भारत का, और ये क्यों करना चाहती है किसी भी समझ के परे है। कुछ और मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। एक साल पहले एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था तांडव, Amazon प्राइम पर तांडव आई थी, और हाल ही में आश्रम 3 एक और वेब सीरीज, उनके क्रू पर हमला किया गया, प्रकाश झा जो कि उनके डायरेक्टर हैं उनके मुंह पर स्याही फेंकी गई। ये दोनों हमारे सीरियल्स, हमारे वेब सीरीज का हिस्सा हैं। तांडव में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी संस्थाओं को इस बात पर आपत्ति थी कि इस सीरीज के अंदर भगवान शिव को एक सीन में जिस तरह से दिखलाया गया है, और उसके चलते तांडव के तमाम प्रोड्यूसर्स को अदालतों में बुलाया गया, उन पर निशाना साधा गया, गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकती रही। उसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि नेटफ्लिक्स और Amazon ने तमाम भारतीय प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से कह दिया कि भैया आगे से हम कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम आपसे नहीं लेंगे, कोई भी राजनीतिक सीरियल हम नहीं लेंगे। नेटफ्लिक्स डर गया, Amazon डर गया। अब हम रुक करते हैं आश्रम 3 का। आश्रम 3 पे हमला किया गया, बजरंग दल ने हमला किया, और इन्हें आपत्ति इस बात पर थी कि साहब आश्रम 3 जो है वो हिंदू धर्म का अपमान करता है। मैं यही तो समझना चाहता हूं अपमान कैसे करता है, क्योंकि आश्रम के बारे में बताया जाता है कि वो इन दो लोगों पर आधारित है, बलात्कारी राम रहीम जो इस वक्त जेल के अंदर है और आसाराम जो जेल के अंदर है। इन दोनों ने हिंदू धर्म का बेजा इस्तेमाल किया, भक्तों की भावनाओं को आहत किया, इन पर बलात्कार के आरोप सिद्ध हो चुके हैं। तो मैं समझना चाहता हूं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से या उन लोगों से या मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र से कि आश्रम किस तरह से एंटी हिंदू हुआ, और जो लोग आश्रम का विरोध कर रहे हैं वो प्रो हिंदू कैसे हो गए। मैं ये समझना चाहता हूं कि राम रहीम और आसाराम ये दोनों हिंदू धर्म के हितैषी कैसे हो गए। ये दोनों इस वक्त बलात्कार के अपराध में, हत्या के आरोप में इस वक्त जेल के अंदर हैं। सिर्फ आरोप नहीं है, ये सिद्ध हो गया है। मैं आपको क्यों आश्रम 3 का जिक्र कर रहा हूं, अपराधियों के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी संस्थाएं बॉलीवुड पर निशाना साध रही हैं, हमारे सीरियल बनाने वाले लोगों पर निशाना साध रही हैं। उसी तरह से आपने तांडव पर जैसे ही हमला किया, नेटफ्लिक्स और Amazon जो कि दोनों अमेरिकन कंपनीज हैं वो डर गईं। खबर ये आ रही है दोस्तों, इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स ने, और सिर्फ इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म्स ने नहीं, कई जो विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने तमाम लोगों को सिंगापुर और दुबई शिफ्ट कर रहे हैं। क्या इससे भारत की साख बेहतर हो रही है, बताइए ना। मैं जानता हूं आप लोगों में से कुछ लोग क्या कहेंगे कि भाई मोदी जी का 56 इंच का सीना है और मोदी जी इन ड्रग एडिक्ट्स और इन तमाम लोगों को सख्त संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल देना चाहिए, मगर मुझे आपके दोहरे मापदंड पर प्रॉब्लम है। कंगना रनावत सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी का सपोर्ट करती हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं ड्रग्स लेती थी, आप उन पर तो कभी सवाल नहीं उठाते। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनके पुराने अपराधों पर आप उन्हें जेल भेज दें, मुझे आपके दोहरे मापदंड पर प्रॉब्लम है। कंगना रनावत को आप माथे पर बिठा कर रखते हैं, मगर आर्यन खान पर कोई भी गुनाह साबित नहीं हुआ। सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह तक कह दिया था कि उनके ताल्लुकात अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल्स के साथ हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको शाहरुख खान पर निशाना साधना है, आप उनके बच्चे पर निशाना साध रहे हैं। यह क्या बतलाता है आप मुझे बताइए ना। आज मैं आपसे एक काल्पनिक बात पूछता हूं। खबर यह आ रही है कि बॉलीवुड के कई सितारे अब विदेशों में जाकर सेटल होने वाले हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर करीना कपूर खान जो कि सैफ अली खान की वाइफ हैं, अगर ये दोनों
अमेरिका सेटल हो जाते हैं तो कैसा लगेगा आपको? क्योंकि करीना के तो बच्चों तक को टारगेट किया जाता है। शाहरुख खान देख रहे हैं कि किस तरह से उनके बेटे पर निशाना साधा गया, एक साजिश के तहत उनके बेटे को फंसाया गया। शाहरुख खान कल को अमेरिका या ब्रिटेन सेटल हो गए तो आपको कैसा लगेगा और कैसा संदेश जाएगा? क्योंकि हालात बहुत अच्छे नहीं है। कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। 2014 से लेकर अब तक भारत से करीब 23,000 करोड़पति देश छोड़कर जा चुके हैं। 23,000 मिलियनेयर्स हैव लेफ्ट इंडिया। 2020 में 7,000 करोड़पतियों ने भारत छोड़ा, 2019 में करीब 5,000 करोड़पतियों ने भारत छोड़ा। और बीबीसी की इस खबर के मुताबिक करोड़पति इस बात को लेकर चिंतित थे कि कभी भी हमारे घर में ईडी घुस जाएगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट घुस जाएगा, कभी भी हमें इनकम टैक्स बुलाकर हमें परेशान करेगा। और इस डर से कई करोड़पति भारत छोड़कर दूसरे देशों में सेटल हो रहे हैं। जो डर का माहौल आप देश के अंदर बना रहे हैं, भारत में बाहर से आने वाली कोई भी कंपनी आके इन्वेस्ट नहीं करेगी। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, हमारी सॉफ्ट ताकत क्या है और हमारी हार्ड ताकत क्या है। सॉफ्ट ताकत है हमारी बॉलीवुड, सॉफ्ट ताकत है हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति। कल्चर और संस्कृति को आप कैसे तबाह कर रहे हैं? जब आप फैब इंडिया पर निशाना साधते हैं। फैब इंडिया एक अभियान शुरू करता है जिसका नाम है जश्न रिवाज। फैब इंडिया पर हमला शुरू हो जाता है कि वो लोग दिवाली का अपमान कर रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। उसी तरह से तनिष्क पर निशाना साधा जाता है। ये दोनों कंपनीज स्वदेशी कंपनी हैं, प्राउड इंडियन कंपनीज हैं, मगर इन पर भी निशाना साधा जा रहा है। स्नैपडील पर इसलिए निशाना साधते हैं ये लोग क्योंकि आमिर खान उसके ब्रांड एंबेसडर थे। इतना परेशान किया इन्होंने स्नैपडील को कि स्नैपडील ने आमिर खान को ब्रांड एंबेसडर के तौर पर ही हटा दिया। मैं आपसे समझना चाहता हूं, इससे देश ताकतवर हो रहा है या दुनिया भर में हमारा मजाक उड़ रहा है? अब बात करते हैं हमारे हार्ड ताकत की। देखिए, हार्ड ताकत में हमारी मिलिट्री पावर है, हमारा डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, मगर इसका एक और पहलू है, हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र। जब दुनिया भर के लोग हमारे देश में आकर इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो उनको क्या लगता है कि हम भारत में क्यों पैसा लगाएं? क्योंकि यह लोकतंत्र है। यहां अगर हमारे साथ कोई ज्यादती हुई तो हम पुलिस के पास जा सकते हैं, सरकार से शिकायत कर सकते हैं, मगर यहां क्या हो रहा है? सरकार में बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ही उन्हें परेशान कर रही है, उनके लिए ऐसा माहौल पैदा कर रही कि वो देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आना तो बहुत दूर की बात है। तो डेमोक्रेसी को तार तार किया जा रहा है और भारत का लोकतंत्र, उसका जो मायना है, उसका जो पैमाना है, वो लगातार गिर रहा है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम लोग नीचे आ गए हैं। हमारी जो प्रेस आजादी है, हमारा जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, वो भी नीचे आ गया है। तो विदेशी कंपनियां ये देख रही हैं कि इस देश में प्रेस को आजादी नहीं है, बात बात पर लोगों को लिंच कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो जब ये तमाम चीजें होंगी तो इस देश में आना कौन चाहेगा, मुझे बताइए। इसलिए जब आप शाहरुख खान पे हमला करते हैं तो आप देश की सॉफ्ट पावर को कुचल रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट करूं, जो ड्रग्स ले रहा है आप उसे कानून के अंतर्गत उस पर निशाना साधें, मगर झूठे आरोप ना लगाएं, क्योंकि फिर आप अपने देश की शान, आप अपने देश के रुतबे पर निशाना साधते हैं और वो स्वीकार्य नहीं है दोस्तों, वो कतई स्वीकार नहीं है, क्योंकि उससे देश की साख को ही नुकसान पहुंच रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो तमाम बातें मैंने आपको बताई कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इंडिया की सॉफ्ट पावर को क्यों कुचल रही है, आप में से कई लोग कमेंट सेक्शन में आके अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे। पहली बात तो जब आप गाली देते हैं ना, आप वहीं पर तर्क हार जाते हैं, इसका मतलब आपके पास तर्क नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जिस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है मीडिया के जरिए, आप अंदर से कुंठित इंसान बन चुके हैं। मगर दूसरी बात, आज आप इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। आप यह नहीं समझ रहे हैं कि शाहरुख पर निशाना साध के, दीपिका पाडुकोन पर निशाना साध के, फैब इंडिया, तनिष्क, बॉलीवुड पर निशाना साध के
आज आप नहीं समझ रहे हैं, आप उसमें एक नकली राष्ट्रवाद देख रहे हैं, एक छद्म राष्ट्रवाद देख रहे हैं, मगर कल देश को इसका बहुत बड़ा खमियाजा, बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा और तब बहुत देर हो चुकी होगी। एक जमाना था जब हमारी प्रतिस्पर्धा, हमारा कंपटीशन चाइना के साथ होता था, हम अमेरिका, ब्रिटेन की तरफ देखते थे। आज हमारा कंपटीशन पाकिस्तान के साथ हो रहा है। हम जिस बांग्लादेश के नागरिकों के लिए टर्माइट्स, दीमक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आज की तारीख में कई सामाजिक सूचकांकों पर, यानी कि सोशल इंडेक्सेस पर, इंडाइसेस पर बांग्लादेश हमसे बेहतर है। वहां जच्चा बच्चा स्वास्थ्य, यानी कि माता और शिशु का स्वास्थ्य को लेकर जो हालात हैं, भारत से बेहतर हैं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला होता है तो वहां की प्रधानमंत्री सामने आकर बयान देती हैं, मगर भारत के अंदर जब मुसलमानों पर हमला होता है, जब कश्मीर के अंदर हिंदू पलायन करते हैं, सिख पलायन करते हैं, जब किसानों को रौंद दिया जाता है, तब भी हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हम अपने लोकतंत्र को इस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं दोस्त। बोल के लब आजाद हैं, बस इतना ही। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। We'll be right back.